अम्बाला के राजीव गांधी स्टेडियम में आज महिला वुशु प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर योगा फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र विज और वुशु फेडरेशन के उपाध्यक्ष अनिल विज पहुंचे। खेलो इंडिया योजना के तहत हो रही राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया योजना के तहत महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए एडोब कमेटी हरियाणा, अमेच्योर वुशु एसोसिएशन और वुशु एसोसिएशन ऑफ अम्बाला के तत्वावधान में खेलो इंडिया वुशु प्रतिस्पर्धा का आयोजन राजीव गांधी स्टेडियम अम्बाला सिटी में किया गया। इस खेलो इंडिया वुशु प्रतियोगिता में अम्बाला जिला की महिला खिलाड़ियों सहित प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाओं ने भी भाग लिया। योगा फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र विज ने बताया कि सरकार का इस तरह से खेल करवाना एक अच्छा प्रयास है। इससे पहले भी सरकार ने खेलो इंडिया करवाया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ये वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत करवा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे हरियाणा की वुशु प्रतियोगिता यहां रखी गई है और कल करनाल में योगा की प्रतियोगिता भी होगी। बहुत अच्छा भारत सरकार का ये प्रयास है। उन्होंने पहले भी खेलो इंडिया कराया और 3-4 साल से इंडिया में वो खेल्स को अलग करा रहे हैं और अब उन्होंने विशेष रूप से एक वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये खेलो इंडिया 10 स्टेप के नाम से इसको दिया और पूरे हमारे हरियाणा के अंदर 10 जिलों के अंदर अलग अलग 10 तरह की गेम्स हो रही हैं। उसी के अंतर्गत आज जो विशु है उसका अम्बाला सिटी के अंदर यहाँ पे एक पूरे हरियाणा की प्रतियोगिता रखी गई है और कल करनाल के अंदर योगा की प्रतियोगिता होगी। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बच्चों को इससे ज़्यादा ट्रेंड होने का मौका मिल रहा है। जहाँ पहले एक नेशनल गेम्स होती थी, अब वहाँ पर एक खेलो इंडिया भी हो रही है, हरियाणा स्तर के भी हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी हो रहे हैं। इसी से ही जो हमारी पूरे विश्व के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन पाएंगे। इस प्रतियोगिता में खासतौर पर पहले वुशु फेडरेशन के उपाध्यक्ष अनिल विज ने बताया कि राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग की महिलाएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 230 महिलाएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ये प्रतियोगिता वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत करवा रही है, जो सरकार का एक अच्छा प्रयास है। आज जो खेलो इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों वर्ग की महिलाओं का ये प्रतियोगिता हो रही है। इसमें पूरे हरियाणा से सब जिलों से 320 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिए, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और ये शाम तक प्रोग्राम चलेगा। इसमें जो सरकार की तरफ से इम्प्रूविंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स की पॉलिसी चलाई गई है, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, जिसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें कि खेलो इंडिया योजना के तहत हो रही राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में लगभग 320 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।